अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली फूड्स विद ज़ेब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी मैगी, जो मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी और बहुत ही डिफरेंट आपको लगेगी, क्योंकि हमने लिए हैं 3 केक मैगी के, जो ज़रा से फूट फूट का शिकार हो गए हैं। ये हमने बॉयल होता हुआ पानी लिया है, इसके अंदर हम डाल देंगे और अच्छा सा गलने तक हम इसको पकाएंगे। फिर मैं बताती हूँ आपको कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। इसका अलग से सॉस बनाएंगे, जिसके हम अंदर हम ये स्टेन करके मैगी को डालेंगे। जब तक ये गल रही है, हम तैयार करते हैं बहुत मज़े का सॉस, जिसके अंदर हम इसको डालेंगे। चलिए देखिए, मैंने फ्राई पैन रख दिया है सॉस बनाने के लिए, और इसमें हमने सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और इसमें 1 टीस्पून के करीब मैं ये लहसुन बिल्कुल बारीक कटा हुआ ले रही हूँ। और आप बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आप नाइट में आपको क्रेविंग हो रही हो या शाम में चाय के साथ भी आप इसको ले सकते हैं, और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार आपको ये रेसिपी मिलने वाली है, बहुत चटपटी सी। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें स्पाइसेस कम कर सकते हैं। तो देखिए, लहसुन बहुत हमारा प्यारा सा गोल्डन हो गया है, सोते हो गया है। बस हम इसमें डालेंगे ये चिली गार्लिक, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब भर के मैंने लिया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। और ये होममेड हॉट सॉस है मेरा, जो मैंने बनाया था, कि मैं डाल रही हूँ इसमें। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे, और इसमें हम डालेंगे इसका अपना मसाला जो हमने पैकेट से खोल के रखा है। बस इसमें और ज़्यादा स्पाइसेस हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं आते हैं, तो बस थोड़े से ही स्पाइसेस से हम बहुत मज़े की बहुत चटपटी सी बनाएंगे। ये देखिए, बहुत थोड़ी सी सब्ज़ी ली है मैंने, तकरीबन 1 छोटी गाजर ली है जिसको बारीक बारीक कट कर लिया है, और 1 शिमला है। बस इसको थोड़ा सा हम इसको भी सौते करेंगे, ताकि नरम सी हो जाए, बिल्कुल नरम नहीं करनी है, रखनी ज़रा सी खड़ी खड़ी है, ताकि ये कि इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी ही रहे, कलर वगैरह। चलिए देखें, ये वाइट विनेगर है, मैंने इसमें प्याली में घुमा लिया है थोड़ा सा, ताकि ये हमारा जो हॉट सॉस था वो भी इसमें साफ हो जाए। थोड़ा सा हम इसको भी मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें सोया सॉस। आपको पता है सोया सॉस की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो 1 टीस्पून के करीब मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ियाँ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो, और अगर आप इसमें बंद गोभी डालना चाहें तो बंद गोभी भी डाल सकते हैं, और कोई अगर बीन्स वगैरह डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा जा रहा है इसमें जिंजर पाउडर, इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आएगी। ये देखें, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने जिंजर पाउडर लिया है। बस अब इसको अच्छा सा मिक्स करके और हमारी मैगी तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमारी मैगी भी बिल्कुल डन है। तो बस हम इसको मिक्स करते हैं और इसमें डालते हैं मैगी। ये देखें, ये इसमें हम डाल रहे हैं। चलिए देखें, इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा, और बस ये झटपट हमारी रेसिपी तैयार है। चलिए आप इसकी लुक देख लें। बस इसमें हम करेंगे थोड़ी सी हरी प्याज स्प्रिंकल, और इसको करेंगे एंजॉय। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको इसको ज़रा चख के बताती हूँ कि मेरी ये रेसिपी कैसी तैयार हुई है, और आप भी मुझे ज़रूर बनाएं तो कमेंट करिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। देखिए, थोड़ी सी मैंने ये हरी प्याज डाली है, और आप करें इसको एंजॉय, और मैं भी करने जा रही हूँ इसको। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी, बहुत चटपटी सी बनाई है, इसको एंजॉय करूँगी। और आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह इसी तरह किसी झटपट और नई रेसिपी के साथ। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।